आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधा सर के अपडेट की बात करें तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के 26 जिलों में स्थित 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन के निर्णय की प्रक्रिया का शुभारंभ रिमोट के माध्यम से किया है। जी हां, इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि तेंदू पत्ते का बोनस बांटने का काम शुरू किया गया है। आज 125 करोड़ रुपए 22 लाख तेंदू पत्ता तोड़ने वाले गरीबों के खाते में जाना प्रारंभ होगा। सीएम शिवराज ने कहा कि अभी तक नहीं होता था, वन ग्राम में रहने वाले किसान भाइयों, अब प्राकृतिक आपदा होने पर आपको पर्याप्त मुआवजा देने का अधिकार होगा। अब वन ग्राम राजस्व ग्राम बन जाने से आपके पास जो जमीन है उसके खाते बनेंगे, किस्तबंदी होगी, खसरा नक्शा आपको प्राप्त होंगे, नामांतरण बंटवारा होगा। जो फैसले हमने जबलपुर में किए थे वह एक एक करके जमीन पर उतार रहे हैं और गरीबों की जिंदगी बदलने का काम कर रहे हैं। 89 जनजातीय ब्लॉक में राशन की गाड़ी भेजने के लिए कहा था, मुझे कहते हुए खुशी है वह राशन बंटना अधिकांश स्थानों पर प्रारंभ हो गया है। भोपाल के जम्बूरी मैदान में तेंदू पत्ता संग्राहकों के सम्मेलन में सीएम शिवराज ने कहा कि जंगल बदलने की प्रक्रिया ग्राम सभा करेगी। मध्य प्रदेश ने अपने वनवासी भाई बहनों को जंगल सौंपने का काम किया है। वन विभाग केवल सहयोग करने का काम करेगा। पैसा एक्ट क्रमशः मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश में यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। ये जमीन और जंगल आपके हैं। सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार एक क्रांतिकारी कदम है। जंगल से जो लकड़ी निकलेगी उसकी आय आप ही प्राप्त करोगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में पहली बार किसी सरकार ने आदिवासियों को जंगल का मालिक बनाया है। शिवराज के यह कदम अनुकरणीय है। तो ये था अब तक का अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।